नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका मैथ टीचर दुष्यंत भाटी O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा बेटा, मैंने आपसे इससे पहले वीडियो में आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन समझाया था। आज हम NCERT की 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 3.1 NCERT। देखिए बेटा, ये मैट्रिक्स ये भी ने हमको 2, 5, 19, 7, 35, 2, 5, 12, ये 5/2 है, 5/2 -5, 17, 1। तो बेटा सबसे पहले हमें आपको बता दें कि देखिए आपसे पूछ रहा है वो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेल की पटरी होती है, लेटी हुई जो होती है, जो लेटी हुई होती है रेल की पटरियां, वो होती है रो, और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं खड़े हुए, यानी जो हॉरिजेंटली होती है वो रेल की पटरियां होती है। तो हॉरिजेंटली का मतलब है 1, 2, 3। तो भैया जी कितनी रो होगी हमारे पास में? 1, 2, 3। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए 3 रो हो गई मेरे पास में, और कॉलम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो बेटा 3×4 की एक मैट्रिक्स मिल गई हमको। तो देखिए आज का सॉल्यूशन, देखिए बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3×4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल गया हमको 3×4। तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर हैं, कितने मेंबर हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। देखिए तो बेटा 1, 2, 3, यानी 3, 4, 3×4 नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स बेटा 12 नंबर्स। कितने नंबर्स हो गए? 12 नंबर्स। देखिए जितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। अब बेटा मैट्रिक्स का जो लिखने का ऑर्डर होता है, मैंने आपको बताया था A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, सिमिलरली A31, A32, A33, A34। तो वो पूछ रहा है राइट द एलिमेंट ऑफ A13, 11, 12, 13, यानी A13 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? A13 हो जाएगा, A13 की वैल्यू 19। अब आपसे पूछ रहा है A21, A21 क्या मिल जाएगा? 35। A21, 35, A33, 5, A34 क्या होगा बच्चे? 17। तो इस तरह से हमारे पास में राइट द एलिमेंट आ जाएंगे। आया समझ में? कोई डाउट बताइए आप, कोई डाउट? नो डाउट्स। चलिए आ गया सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज, किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर। तो बेटा किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे। देखिए 1
इंटू 24, वन इंटू 24 यानी एक रो और 24 कॉलम्स, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, अब बेटा 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2, 24 into 1. कहने का मतलब है कि वन रो 24 कॉलम, सिमिलरली टू रो 24 कॉलम, थ्री रो 8 कॉलम, सिमिलरली देखिए वैसे ही आप किसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट है, कितने 13, तो कैसे लिखेंगे 13 को, देखिए 13 एलिमेंट को 1 into 13, 13 into 1, यानी वन रो और 13 कॉलम, ठीक है बच्चे, वैसे ही 13 रो 1 कॉलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट. सेम सेकंड क्वेश्चन की बिल्कुल सिमिलर है बेटा, देखेंगे. कितने एलिमेंट है 18, 18 एलिमेंट है, तो 18 एलिमेंट को क्या लिखेंगे, 1 into 18, 18 into 1, 6 into 3, 3 into 6, 9 into 2, तो बेटा 9 row 2 column, 3 row 6 column, 2 into 19. नेक्स्ट इज नाउ, वैसे हमारे पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट को क्या लिखेंगे आप, 1 into 5, 5 into 1, क्लियर, पक्का. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स. तो बच्चे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 2x2 की मैट्रिक्स, देखिए 2x2 की मैट्रिक्स क्या होती है, A11, A12, A21, A22, 2 row और 2 column, यानी 2x2 की मैट्रिक्स होगी हमारे पास में. अब बच्चे मैंने आपको बताया था जो A11 होता है उसमें जो पहली वाली वैल्यू होती है ये I की होती है, और ये दूसरी वाली जो वैल्यू होगी ये J की होगी. तो हम ऐसे ही A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 upon 2, 2 आ जाएगा, यानी A11 की वैल्यू क्या मिल गई, 2, A11 की वैल्यू बच्चे 2 मिल गई, A11 इज इक्वल टू 2. नाउ A12 क्या मिलेगा बच्चे, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, देखिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1 2 और 1 3, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9/2, तो A12 की वैल्यू मिल गई, A12 मिल गया बच्चे हमें 9/2, A12 की वैल्यू क्या मिल गई, 9/2.
नाउ A21 फाइंड करेंगे. अब A21 होता है 2+1² / 2, दैट इज I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो 2 और एक 3, 3 का स्क्वायर बच्चे 9/2. A22 फाइंड करेंगे आप. A22 क्या हो जाएगा, 2+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8. क्या मिल गया मुझे, A22. A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A21 हो गया 9/2 और A22 मिल गया बच्चे 8. तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास में, देखिए A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A20 की वैल्यू 9/2, A22 की वैल्यू 8. तो 2/2 की एक मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर ली. सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखिए सेकेंड पार्ट में कह रहा है इसके में 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी. देखिए बेटा 2/2 की मैट्रिक्स, ये 2/2 की मैट्रिक्स है. अब I की वैल्यू यानी A11 फाइंड करेंगे आप. A11 हो जाएगा 1/1 = 1. क्यों, I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1. A12 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A12 हो जाएगा 1/2. A21 क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 = 2. A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू बच्चे 2 और J की वैल्यू भी 2, दैट इज 1. तो हमको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी मैट्रिक्स, देखिए इलेवन की वैल्यू 1, 12 की वैल्यू 1/2, 21 की वैल्यू 2, 22 की वैल्यू 1. नाउ सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड, देखिए I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, I+2J 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है बेटा. A11 क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1+2J की वैल्यू 1. A12 1+2 × 2, 2 × 4 = 5, 5 का स्क्वायर 25/2. A21 2+2 × 1, देखिए बच्चे 21 2, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4, 4 का स्क्वायर 16/2, A22 2+2 × 2, 2 × 4, 4 × 2 = 6, 6 का स्क्वायर बेटा 36. तो नाउ मैट्रिक्स क्या मिल गई मुझे, अब देखिए एक मैट्रिक्स मिल गई मुझे. देखिए 9/2, 12 की वैल्यू बेटा 25/2, 21 की वैल्यू 8 और 22 की वैल्यू 18, दैट इज आंसर. ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट हो तो पूछो. अच्छा क्लियर, बिल्कुल ठीक है. वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब देखिए कंस्ट्रक्ट 3×4 मैट्रिक्स, 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर 3 रो हो और 4 कॉलम हो. तो देखिए
देखिए तीन रो A11, A12, A13, A14। A13 और A14, A21, A22, A23, A31, A32। देखिए बेटा तीन रो, वन रो, टू रो और थ्री रो, तीन तो रो हो गई और फोर कॉलम हो जाएंगे। देखिए बच्चे फोर कॉलम हो गए, वन टू थ्री फोर। नाउ अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए A11 क्या हो जाएगा, A11 वन बाई टू, I की वैल्यू बच्चे 1 और J की वैल्यू 1, तो 1/2 -3+1 एंड दैट इज 2/2। A11 की वैल्यू 1 आ गई बच्चे। A12 निकालेंगे अब, 1/2 -3 में से 2 गया तो -K1 इजिकल टू 1/2। A13 फाइंड करेंगे, 1/2 A13 3 into 1 + 3। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। A21 फाइंड करेंगे, 1/2 -3 into 2 +K1 3 to 6 5/2। नाउ A22 फाइंड करेंगे, 1/2 -3 into 2 +2 3 to 6 +2 क्या मिलेगा बेटा, 6 में से 2 गया तो 4, यानी 4/2। A23 फाइंड करेंगे, A23 क्या मिल जाएगा, 1/2 -3 into 2 +3 -6 +3 A24। देखिए बच्चे A24 1/2 -3 +4 3 to 6 ये हो जाएगा 2/2 = 1। नाउ बेटा A31 फाइंड करेंगे आप, A31 क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 -9 + 1 यानी 8/2 = 4। A32 3 into 3 + 1 जे की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 2। तो जाएगा 1/2 -K9 + K2 7/2। A33 फाइंड करेंगे, 3 3 9 9 में से 2 आती है तो 3 3 9 9 में से इक्वल टू आ जाएगा
6 upon 2, 3. A 34, 1 by 2. Tritiya 9, 5 upon 2. अब सारे एलिमेंट हमारे पास आ गए 11, 12, 13, 21. अब एक मैट्रिक्स बना लेंगे बच्चे. देखिए मैट्रिक्स में लिख देंगे सारे एलिमेंट को एक साथ. कैसे? देखिए लिखेंगे 1 a 11 1 a 12 1 by 2 a 13 0 A 14, अच्छा 14 है, चलो ठीक है. 14 की वैल्यू फाइंड नहीं हुई, 14 की वैल्यू निकालेंगे अभी हम, देखेंगे. देखो 14 है क्या, 14 निकालेंगे बच्चे. देखो A 14 क्या जाएगा, 1 by 2 minus 3 plus 4 यानी 1 by 2 ए 14 की वैल्यू 1 by 2. ए 21 5 by 2. ए 22 2. ए 23 3 by 2. ए 24 1. A 31, 4. A 32, 7 by 2. A 33, 3. A 34, 5 by 2. ये बेटा एक मैट्रिक्स मिल गई हमको. वैसे ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका हम. सेकंड क्वेश्चन करेंगे 2i माइनस j. देखिए aij इक्वल टू है 2i माइनस j. 3 by 4 की मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करनी है. देखिए 3 by 4 की मैट्रिक्स यानी 3 by 4 की मैट्रिक्स क्या होगी 2i माइनस j में. 3 रो होंगी a 11 a 12 a 13 a 14 a 21 a 22 a 31 a 32 a 33 a 34. तो बेटा 3 by 4 है, 3 रो और 4 कॉलम. a 11 क्या जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं हम. देखिए a 11 2 into 1 minus 1 is equal to 1. A 12 find करेंगे, 2 into 1 minus 2 is equal to 0 आ जाएगा बेटा. देखिए I की value 1 और J की value 2, तो 2 2 minus 2 is equal to 0. A 13 2 into 1 minus 3, तो 2 minus 3 minus 1. A 14 की value क्या होगी, 2 into 1 minus 4 minus 2. A 21 find करेंगे, 2 into 2 minus 1 3. A 22 की value हो जाएगी बच्चे, 2 into 2 is equal to 2 23. 2 into 2 minus 3, 4 minus 3 is equal to 1. A 24 क्या हो जाएगा, 2 into 2 minus 4, 2 2 4 4 में से 4 गया तो 0. A 31 find करेंगे बच्चे, A 31 क्या हो जाएगा, 2 into 3 minus 1, 3 2 6 6 में से 1 गया तो 5. नाउ
A32 फाइंड करेंगे अब, A32 टू इंटू थ्री माइनस टू, सिक्स माइनस टू बेटा फोर आ जाएगा, A33 का जाएगा टू इंटू थ्री, सिक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, A34 हो जाएगा बेटा, सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू फोर। तो हमें जो मैट्रिक्स मिल जाएगी, एक कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, देखिए 11 की वैल्यू 1, 12 की वैल्यू 0, 13 की वैल्यू -1, 14 की वैल्यू -2, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2। देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल गई बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 3। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। हाँ बेटा वाई प्लस जेड तो जेड की वैल्यू क्या जाएगी 0। नाउ एक्स वाई इक्वल टू 8, तो वाई इक्वल टू बेटा 8 अपॉन वाई इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। अब वाई इक्वल टू 8 अपॉन एक्स इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, यहां से वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स 6, यानी वाई इक्वल टू 8 अपॉन एक्स पुट इन फर्स्ट। Now, taking the LCM beta, x square plus k 8 upon kx is equal to 6. देखिए x square plus k 8 ये आ जाएगा बेटा x square minus 6x plus k 8 is equal to 0, x square minus 4x माइनस टू एक्स प्लस के एट, एक्स कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस फोर, तो बच्चे क्या मिल जाएगा एक्स माइनस फोर अब एक्स इफ एक्स माइनस फोर इजिकल टू जीरो तो एक्स इजिकल टू क्या मिल गया मुझे 4, if x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे 2। अब x इज इक्वल टू 4 पुट इन सेकेंड, तो y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 पुट इन सेकेंड, एट अपॉन टू वाई की वैल्यू 4। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई,
जेड की वैल्यू आ गई और बेटा वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, आया समझ में। वैसे ही सिमिलरली अब हम नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, x प्लस वाई, देखिए इसका थर्ड पार्ट है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो बेटा y प्लस जेड की जो वैल्यू है, y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 मिल गई। अब नेक्स्ट x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो x प्लस जेड के प्लेस पर हम 5 पुट करेंगे, तो 5 प्लस वाई, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2 x = 2 y = 4। नाउ z की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए z की वैल्यू यहां रख लें, x की वैल्यू 2 प्लस जेड, तो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 3। तो ऐसे ही हम x y z की वैल्यू हमको फाइंड होगी, x की 2, y की 4 और z की 3। क्वेश्चन में हमसे x y z की वैल्यू पूछ रहा था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो बच्चे देखिए सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, ए माइनस बी इजिकल टू माइनस वन है, ए माइनस बी इजिकल टू माइनस वन, 2a माइनस बी इजिकल टू 0। अब यहां से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप, देखिए कैसे, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड, तो बेटा 2a इजिकल टू b आ जाएगा यहां से, फ्रॉम सेकंड 2a इजिकल टू b, पुट इन फर्स्ट a माइनस टू ए की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1। नाउ a इक्वल 1, पुट इन सेकेंड, तो 2 इंटू 1 माइनस बी इजिकल टू 0, बी इजिकल टू क्या गया बच्चे, तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट है, देखिए 11 से 11 की कंपेयर करिए, हमने 12 से 12 करेंगे, तो 2a प्लस सी इजिकल टू 5, 3c प्लस डी, 2a प्लस सी इजिकल टू 5 है, तो a की वैल्यू क्या बच्चे, 1, तो c इजिकल टू आ गया 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 3। c की वैल्यू मिल गई, तो d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैसे, 3c प्लस डी इजिकल टू 13, 3c की वैल्यू 3 प्लस डी इजिकल टू 13, तो d इजिकल टू मिल जाएगा बेटा 13 माइनस 9, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। नेक्स्ट है, आपसे पूछ रहा है a इक्वल टू इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ a लेस देन m। तो बेटा मैंने आपको जब बेसिक्स इसका पढ़ाया था, इससे पहली वीडियो में इसकी डिफाइन देखना आप बेसिक्स में, कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स में रो इक्वल कॉलम होंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं आप, क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स।
एंड दैट इज एम इक्वल एन, तो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस के 7, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 7 अपॉन 3। नाउ फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस टू, तो वाई इज इक्वल टू क्या गया बच्चे 7, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 7, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चे हमें माइनस के 2 अपॉन 3। यानी कहने का मतलब है x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 नहीं आ रही, y की वैल्यू 7 तो आ रही है, ठीक है ये गलत, y इक्वल 7 x इक्वल माइनस 2 अपॉन 3 हो गए, ठीक है x इक्वल 7 y इक्वल माइनस, ठीक है नॉट पॉसिबल, x इक्वल 1 अपॉन 3 y इक्वल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 2 अपॉन 3 और y की वैल्यू क्या आ रही है 7। क्लियर आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। वीडियो को देखने के बाद अब इसको आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।